गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स एंड रेसिपीज। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा विंटर्स हेयर केयर रूटीन, जो कि मैं स्पेशली इस विंटर्स में फॉलो करती हूँ और उसी की वजह से जो मेरे बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी बने रहते हैं। सो ये जो बालों की कंडीशन आप देख रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल बाल है, मैंने किसी भी तरह का कोई टूल यूज़ नहीं किया है। ये नेचुरल एयर ड्राइड मैं बाल आपके सामने लेकर आई हूँ और जस्ट मैंने अभी हेड वॉश किया है, उसी के बाद में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो आई होप कि आपको ये रिजल्ट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह अपना हेयर केयर रूटीन फॉलो करती हूँ सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने नेचुरल हेयर्स दिखा रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट एंड शाइनी नज़र आ रहे होंगे। सो इन्हीं पाँचों टिप्स को फॉलो करके मेरे बाल इस तरह से आपको नज़र आएंगे। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फर्स्ट स्टेप जो मैं करती हूँ वो होता है कि जिस दिन मुझे हेड वॉश करना होता है उससे एक रात पहले मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, और ऑयलिंग किस तरह से करती हूँ आगे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो उसी तरह से अगर आप ऑयलिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में ऑलिव ऑयल ले लिया है और इसे मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी। तो गर्म करने के लिए मैं डबल बॉयलर प्रोसेस यूज़ करती हूँ, और इसे अच्छे से गर्म होने के बाद हम निकाल लेंगे और इसे अपने अच्छे से स्कैल्प पर अप्लाई कर लेंगे। और ओवरनाइट के लिए मैं अप्लाई करती हूँ ताकि अच्छे से रिजल्ट्स मुझे मिल पाए। तो मैंने ये रात भर के लिए ऑयल अप्लाई करके छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से मैंने इसे स्कैल्प में अप्लाई किया हुआ है। अगर आप इस तरह से ऑयलिंग करते हैं तो आपको हेयर मास्क की नीड नहीं है, बट हमें कभी कभी हेयर मास्क अप्लाई करना चाहिए। और जैसे कि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी मैं हेड वॉश करूँ तो उससे पहले मैं हेयर मास्क भी अप्लाई कर लूँ। तो हेयर मास्क के लिए मैं क्या करती हूँ वो भी आप देख लीजिए। सो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो ऑयल रात को बचा हुआ होता है वो ऑयल मैं लेती हूँ और उसी में थोड़ा सा एलोवेरा जेल और ये विटामिन ई कैप्सूल्स एक्सट्रैक्ट कर देती हूँ। विटामिन ई कैप्सूल्स मैंने यहाँ पर 2 यूज़ किए हैं, आप चाहें तो 1 यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल वाली क्लिप थोड़ी सी मिस हो गई थी इसीलिए मैं वो ले नहीं पाई। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और ये कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट जेल बन के रेडी हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो हमने जो बालों को बांधा हुआ था सबसे पहले हम बालों को खोल लेंगे और अच्छे से बालों को डिटैंगल कर लेंगे, क्योंकि हमने रात भर ऑयलिंग की हुई है तो बाल थोड़े बहुत टैंगल्ड होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार ये हेयर मास्क लगाने से पहले बालों को डिटैंगल ज़रूर कर लें। और उसके बाद इस हेयर मास्क को हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको रूट से लेकर टिप्स तक इस हेयर मास्क को अच्छे से अप्लाई कर लेना है और पूरे बालों पर अच्छे से एक लेयर बना के छोड़ देनी है ताकि ये जो हेयर मास्क है वो अच्छे से अपना वर्क कर सके। और एक ही बार में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो बस इस तरह से मैं इसे पूरे बालों पर अप्लाई कर रही हूँ और एंड्स पर अच्छे से आपको अप्लाई करना है। जिस तरह से मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ उसी तरह से फुल हेयर लेंथ पर आपको इसे अप्लाई कर लेना है। तो मैं पूरे बालों पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इसे आधे घंटे के लिए आपको ज़रूर छोड़ना है ताकि ये अच्छे वर्क कर पाए। तो यहाँ पर मैं पूरे अच्छे से बालों पर कवर कर रही हूँ। एंड्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी बाल वही होते हैं, और जो बाल टूटते हैं वो भी हमारे एंड्स पे से या फिर मिड लेंथ से टूटना स्टार्ट होते हैं। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एंड्स में आपको इसे अच्छे से अप्लाई करना है और उसके बाद बालों को अच्छे से टाई कर लेना है। और उसके बाद हम इसे शैम्पू से वॉश करेंगे। हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद जब मैं शैम्पू करती हूँ तो शैम्पू को मैं नॉर्मल शैम्पू, जिस तरह से आप डायरेक्टली शैम्पू अप्लाई करके करते हैं उस तरह से मैं नहीं करती हूँ। मैं उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करती हूँ ताकि मेरे बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिल सके, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़े से लेने पड़ते हैं ताकि जो आपके बाल हैं वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट बने रहे। सो मैं किस तरह से शैम्पू करती हूँ वो भी आप देख लीजिए। हेयर वॉश के लिए मैं सबसे पहले एक मिक्सचर बनाकर तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, या फिर आप कोई भी ग्लास या मग यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो आपको शैम्पू ले लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर नेचुरल शैम्पू यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग शैम्पू ले लिया है और मैं 2 बार हेयर वॉश करती हूँ ताकि अच्छे से मेरे बाल क्लीन हो पाए। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ एलोवेरा जेल। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं जो भी आपके बालों के लिए सूटेबल हो। तो यहाँ पर अप्रॉक्स 1 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ये 1/4 स्पून कॉफ़ी पाउडर। सो यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसी के साथ मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी क्योंकि हमेशा हमें शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। ये चीज़ मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो पाए। बस अभी मैं यहाँ पर इसे मिक्स करके ऐसे ही छोड़ दूँगी और 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे से ये सभी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और इसका कलर भी काफ़ी अच्छे से चेंज हो जाएगा। सो ये हमारा हेयर वॉश के लिए शैम्पू बनकर रेडी है। इससे मैं हेयर वॉश कर लूँगी और उसके बाद आपको मैं रिज़ल्ट शो करूँगी। तो आप खुद भी देखेंगे कि काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो यहाँ पे मैं बालों को एयर ड्राई कर रही थी इसीलिए मैं धूप में आ गई थी और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से बाल शाइनी नज़र आ रहे हैं और स्ट्रेट भी हैं। तो ये मेरे कुछ फाइनल लुक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेयर वॉश के बाद बहुत ही अच्छे सॉफ्ट एंड शाइनी बाल आपको मिल जाएंगे। बस आपको इस रेमेडी को रेगुलर फॉलो करना है। सो आपको यही रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अब जब आपके बाल 90% तक ड्राई हो जाएं उसके बाद आपको ये दोनों चीज़ें यूज़ करनी है और इसे अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है अपनी पाम पर और उसमें मिक्स करना है आपको एक विटामिन ई कैप्सूल। आप चाहे तो 2 या 3 भी यूज़ कर सकते हैं बट थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है इसलिए मैं एक ही सजेस्ट करूँगी। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके अपने दोनों तरफ बालों पर अच्छे से इसे अप्लाई कर लेना है। मैं हेयर लेंथ पर पूरे पर अच्छे से अप्लाई करती हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि आपके जो बाल है वो थोड़ा मॉइस्चराइज रहेंगे और ड्राई एंड फ्रिजी बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक तरह से ये सीरम का वर्क करता है। आप जो मार्केट से सीरम लेके आते हैं उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आपको ये देने वाला है। मैं पहले भी आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एलोवेरा से थोड़े बाल गीले हो जाते हैं सो इन्हें हम अच्छे से एक बार ड्राई होने देंगे उसके बाद बांधेंगे। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं सो हमेशा अपने बालों को कवर कर लीजिए या फिर अपने बालों को बांध लीजिए क्योंकि जो बाहर का डर्ट और पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से हमारे बाल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और जब विंटर्स में ठंडी हवा हमारे बालों पर लगती है तो उसकी वजह से हमारे बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं और उसकी वजह से हेयर ब्रेकेज होने लग जाता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो जब भी आप बाहर जाएँ तो हमेशा अपने बालों को पोनी टेल में या फिर बन बनाकर बाहर जाइए तो आपके बाल जो है वो बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे। सर्दियों में बालों को ठंड से बचाने के लिए हमें हमेशा अपने बालों को टाई कर लेना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। सो इस तरह के रबर बैंड्स यूज़ ना करके मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से सैटिन के या फिर सिल्क के जो स्क्रंचीज़ मिलते हैं वो यूज़ कीजिए। उससे क्या होगा आपका हेयरफॉल भी नहीं होगा और बाल बिल्कुल सेफ़ एंड टैंगल फ्री रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही इसे रिमूव करेंगे सो इजीली आपके बालों से ये निकल जाता है, बिल्कुल भी बालों को डैमेज नहीं करता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल भी इसी तरह से सॉफ्ट एंड शाइनी बने रहें तो आप इस तरह से ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और स्पेशली विंटर्स में इन्हें ज़रूर फॉलो करें। सो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप और क्या वीडियोस देखना चाहते हैं, वही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।